हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मानसी रेसिपी व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी रेड चिल्ली वाली टेस्टी मैगी। तो चलिए शेयर करूँगी मैं आपसे इसकी रेसिपी। आप देख लो ये कितनी टेस्टी दिख रही है और कितनी यम्मी बनी है। ये मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपसे रेसिपी। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। उसके अंदर अब मैं बारीक चॉप किए हुए लहसुन डाल दूँगी, गार्लिक। अब इसको हल्का सा मुझे गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। इस तरीके से चलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। ये भी मैंने बारीक चॉप, मतलब बारीक भी नहीं करी और ज़्यादा मोटी भी नहीं करी है, नॉर्मल चॉप करी है। और इसको भी मिला दूँगी अब मैं इसके साथ में लहसुन के। अब इनको भी हमको हल्का सा गोल्डन रोस्ट करना है, चलाते रहना है कंटिन्यू। गाइस, मैगी की ना एक ही तरीके की रेसिपी बना बना के मैं हो चुकी हूँ बोर। तो मैंने कहा चलो कुछ नया बनाते हैं, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी ट्राई करी, इस तरीके से बनाया और ये बहुत ही यम्मी बना। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए टमाटर, बारीक चॉप किए हुए 2 टमाटर ऐड करे हैं मैंने इसमें। अब इसको भी मैं अच्छे से चलाती रहूँगी। ये कुछ यूनिक तरीके से बता रही हूँ मैं गाइस आपको। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करने ना। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी इस स्टेज पे मटर। मैंने मटर को पहले ही बॉईल कर लिया है गाइस, याद रखना मटर को बॉईल कर लेना, नहीं तो ये मैगी में पक नहीं पाएगी, फिर ये कच्ची रह जाएगी। अब मैं इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून से भी हाफ। इसको मिक्स कर लूँगी। देन उसमें मैगी मसाले ऐड करूँगी एक एक करके, सारे मैगी मसाले ऐड कर दूँगी ऐसे ही। एक एक करके मैंने सारे मैगी मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इनको मिला लूँगी। इनको मिला दिया है मैंने। गैस की फ्लेम रखना लो गाइस, नहीं तो जल जाएगा। हल्का सा पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, मैगी मसाला जो हमारा है। इसको मैंने लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये वाली चटनी, रेड चिल्ली सॉस। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही तीखी भी होती है। इसको भी ऐड कर दिया हमने। इसको भी हम मिला लेंगे ऐड करने के बाद। अभी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने ऐड करा है शिमला मिर्च, लाल, पीली और हरी, 3 तरीके की कैप्सिकम मैंने इसमें ऐड करे हैं। और मैंने इसमें से अलग से एक मैगी मसाले का पैकेट भी डाला है, क्योंकि हम ये स्पाइसी मैगी बना रहे हैं इसलिए। अब इसमें पानी डाल के इसको हल्का सा चला देंगे। अभी हमारा डन हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे अपनी मैगी सारी जितनी मुझे बनानी है। इस तरीके से ऐड करो, क्योंकि गाइस बर्तन, मतलब ना मैगी थोड़ी सी बॉईल होगी उसके बाद ही ये मिल पाएगी, इसलिए मैं इसको भी ऐसे ही रख रही हूँ। सारी मैगी डाल दूँगी। ये मैंने ली है 4 मैगी गाइस, सारी मैगी मैंने इसमें डाल दी। अब इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। वैसे चल नहीं पाएगा क्योंकि गाइस मैगी अभी बहुत हार्ड है ना, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको ढकना पड़ेगा पहले। मैंने इसमें पानी जितना मुझे यूज़, मतलब मैगी में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है, टूटने लग जाती है, गली गली सी हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी यूज़ करा है, 1 छोटा गिलास मैंने ऐड करके पानी। इसको इस तरीके से कर देंगे चारों तरफ से। अभी ये मैंने कर दिया, इसमें थोड़ा और पानी डालूँगी। मैंने इसमें और पानी डाल दिया है क्योंकि मेरी मैगी गाइस ज़्यादा है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा है। पानी डाल दिया मैंने। अभी ये सब करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन वाली चटनी, ग्रीन चिल्ली सॉस। यह इजीली अवेलेबल हो जाएगी गाइस कहीं पे भी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर।
ये ऐड करने के बाद थोड़ा टाइम लग रहा था गाइस, क्योंकि ना मतलब धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ता है। ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी मैंने। इसके बाद मैं हाफ टी स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया मैंने इसमें हाफ टी स्पून। और मैं इसके अंदर कम से कम मैं इसके अंदर 3 टीस्पून मैंने इसमें सॉस डाली है, क्योंकि जो हमने तीखा इतना डाला उसको मेंटेन कर लेगी ये सॉस। अब इनको मैं थोड़ा इस तरीके से मिला दूंगी, क्योंकि चला तो सकती नहीं, तो इसलिए इस तरीके से मिलाऊंगी इसको, ऐसे मिला लूंगी सारा। अब हमारी जो मैगी है ना गाइस, वो थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, इसलिए मैं इसको चला पा रही हूँ। मिला दिया मैंने सारा। अब मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 5 मिनट या 7 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, अभी हमारी मैगी को हम एक बार चला देंगे। इसको चला दूंगी मैं अच्छे से थोड़ा सा, ताकि मैगी हर तरफ से पक जाए हमारी इस तरीके से, सब तरफ से ऐसे उठा के चलाना है ताकि हमारी मैगी ना टूटे ऐसे। गाइस जो मैगी होती है ना, उसको कभी तोड़ के नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ना वो एकदम कचुम्बड़ खिचड़ी टाइप की बन जाती है, इसलिए इस तरीके से ही डालना हमेशा जैसे मैंने डाला है। इस तरीके से चला दूंगी मैं इसको सही से। ऐसे ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी और कलरफुल दिख रही है हमारी मैगी। जब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी पानी डाल के, पानी कम हो गया था, और फिर ढक दूंगी मैं इसको 5 मिनट के लिए। और अब ये हमारी मैगी हो गई है रेडी सर्व करने के लिए। ये देखिए गाइस, हमारी मैगी रेडी है सर्व करने के लिए, डन। बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस हमारी मैगी, तो चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें, एंड माय चैनल मानसी रेसिपी व्लॉग। तरीके से मैं डाल लूँगी मैगी। सर्व करने के बाद मैं इसके ऊपर अलग से ऐड करूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो डालना, नहीं पसंद है तो स्किप कर देना। तो अभी हमारी मैगी हो चुकी है रेडी, और बहुत ही डिलीशियस दिख रही है ये, और टेस्टी भी बनी है। तो अगर आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें आपको क्या देखना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।